विदेशी बाजार टूटने से सोया तेल में गिरावट देखने को मिली है। संयुक्त राष्ट्र की अध्यक्षता में होने वाली अनाज निर्यात सौदे को 120 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है, जिसके चलते वैश्विक खाद्य तेल बाजारों में जोरदार कमजोरी देखी गई। मलेशिया पाम तेल वायदा में गुरुवार को 4 महीनों में सबसे तेज साप्ताहिक गिरावट दर्ज की गई। मलेशिया पाम तेल महीने में सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। वहीं बुर्सा मलेशिया एक्सचेंज में शुक्रवार को मलेशिया में चुनाव के कारण कारोबार बंद रहा। सीबोर्ड सोया तेल प्रोजेक्शन में भी गिरावट देखने को मिली। दरअसल रूस यूक्रेन सौदे का दबाव और चीन की कमजोर मांग से अन्य सकारात्मक पहलू को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसके चलते हाजिर बाजारों में भी खरीदारी का अभाव रहने से सोया तेल की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। वहीं आपको बताएं कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सोया तेल इंदौर में भी गिरावट देखने को मिली। वहीं पाम तेल इंदौर भी घटकर बंद हुआ। दूसरी ओर देश भर में सोयाबीन की आवक बढ़ती दिखाई दे रही है, जिसके चलते बाजारों में कीमतों पर दबाव देखने को मिल रहा है। उधर प्लांट की मांग कमजोर रहने से भी सोयाबीन के भाव में गिरावट बढ़ती जा रही है। ऐसे में बाजार जानकार मानकर चल रहे हैं कि सोयाबीन की कीमतों में फिलहाल तेजी का माहौल नहीं है। वहीं पिछले साल अक्टूबर की तुलना में निर्यात में भी 7% की गिरावट दर्ज की गई है। अक्टूबर सरसों मील के निर्यात में 39.56% की गिरावट आई है। फिलहाल खाद्य तेल बाजार गिरावट के साथ कारोबार करते दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।